नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफ़े के किताबें मिली कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं राजपाल एंड सन्स से आई कुछ पुस्तकों की जानकारी दूंगा आपको। आज जैसा कि आपको पता है, साहित्य तक के बुक कैफ़े के किताबें मिली कार्यक्रम में मैं उन पुस्तकों की जानकारी आपको देता हूँ जो प्रकाशकों द्वारा बुक कैफ़े में चर्चा के लिए हमें प्राप्त होती हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य केवल आपको प्रकाशक से मिली पुस्तकों की प्राथमिक सूचना देना होता है। इन्हीं में से चुनी हुई पुस्तकों की चर्चा मैं बुक कैफे में करता हूँ। राजपाल एंड सन्स ने जो पुस्तकें हमको भेजी हैं उनमें शिरीष खरे युवा पत्रकार हैं, उनकी पुस्तक का नाम है नदी सिंदूरी। इस पुस्तक के बारे में काशीनाथ सिंह का कहना है कि युवा लेखक शिरीष खरे का लेखन एक साथ वैचारिक और साहित्यिक कसौटियों पर खरा उतरता है। ये पुस्तक नदी सुंदरी कैसी है, इसके बारे में मैं आने वाले समय में बुक कैफे के एक दिन एक किताब में ज़रूर कोशिश करूंगा, क्योंकि शिरीष खरे के लेखन से मैं भी प्रभावित हूं। मजाक, कुमार अंबुज की कहानियां हैं ये। कुमार अंबुज जाने माने कवि हैं, उनकी कविताओं से या उनके कवि स्वरूप से हिंदी साहित्य जगत पहले से जानता रहा है, लेकिन ये कुमार अंबुज की कहानियों का संकलन है। हालांकि यह उनका दूसरा कथा संग्रह है, पहला कथा संग्रह उनका इच्छाएं के नाम से आ चुका है। मैं इस पुस्तक के बारे में भी जानकारी आपको दूंगा। जंगल गाथा, ये लोक बाबू का जो है वो कहानी संग्रह है। यह संग्रह कैसा है इसके बारे में भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको बता सकूं आने वाले समय में। पुलिसनामा, जहां मुर्दे भी गवाही देते हैं, ये सभी किस्से जो इस संकलन के हैं, लेखक का दावा है। जयगम मुर्तजा इसकी रचनाकार हैं, उनका दावा है कि सच्ची घटनाओं पर आधारित किस्से हैं। तो जयगम मुर्तजा अपने इस सफ़र में पत्रकार के रूप में उनकी ख्याति रही है। पुलिसनामा में वो किस तरह से कहानियां कथानक में समेटते हैं सच्चे किस्सों को, इसके बारे में भी जानकारी दूंगा। राजपाल एंड सन्स से जो आखिरी पुस्तक मिली है, यानी कुल 5 पुस्तकें इस सप्ताह हमें मिली हैं, उनमें हरी राम मीणा की ब्लैक होल में स्त्री, यह पुस्तक भी हमें मिली है। राजस्थान पुलिस सेवा में हरी राम मीणा की अपनी व्याप्ति रही है। कथाकार के रूप में उन्होंने जो पुस्तक लिखी है ब्लैक होल में स्त्री, वह पुस्तक कैसी है, उसकी विधा क्या है, उसका शिल्प क्या है, उसका कथानक क्या है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। साहित्य तक के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में मैं प्रकाशकों से मिली हुई उन्हीं पुस्तकों की चर्चा करता हूं जो हमें प्राप्त होती हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य, जैसा कि मैं बता चुका हूं, आपको प्राथमिक सूचना देना है पुस्तकों के बारे में, पुस्तकों के विधा के लिए, पुस्तकों के कथ्य के लिए, उनके कथोपकथन के लिए, उनकी श्रेष्ठता के बारे में या उनके अंतर्वस्तु को जानने के लिए हमारे कार्यक्रम को एक दिन एक किताब को देखते रहें। हर दिन सोमवार से बृहस्पतिवार तक मैं विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ पहुंचता हूं आपके पास। शुक्रवार को मैं किसी कविता संग्रह की चर्चा करता हूं। शनिवार को मैं आपके किसी प्रिय कथाकार रचनाकार से बात करता हूं, उसके जीवन कर्म पर या उसकी किसी एक चर्चित पुस्तक पर। रविवार को, जैसा कि आज है, मैं आपके पास किताबों की प्राथमिक सूचना लेकर पहुंचता हूं। किताबें मिली कार्यक्रम में साहित्य तक देखते रहें, बुक कैफे देखते रहें, इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से हमें अवगत कराते रहें। धन्यवाद।